6.5 क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में आपको एक ग्राफ दिया गया है, वो ग्राफ के ऊपर आपको कुछ सब क्वेश्चंस पूछे गए। इसे बोला जाता है ग्राफ रीडिंग, कि जहां आपको ऑलरेडी ग्राफ प्रिंट करके आया हुआ है, आपको सिर्फ उसको देख के आंसर देना है। ग्राफ क्या है पहले वो समझते हैं। यहाँ बोला है ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो यहाँ जो दिए हुए वो मार्क्स है। तो ये क्लास इंटरवल से एक्चुअली 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड 80 to 90, 90 to क्लास मार्क बोल के कॉन्सेप्ट सीखा था, याद है क्या? क्लास मार्क यानी किसी भी क्लास की मिडल वैल्यू। तो 20 और 30 की मिडल वैल्यू, 30 और 40 की, 40 और 50 की, नेक्स्ट नेक्स्ट 75 85। अब यहां जो नंबर दिए गए, कुछ नंबर से आपको उसमें जो फर्स्ट नंबर है वो क्लास मार्क से आया है, मतलब 35 जो दिख रहा है वो 30 और 40 का मिडल पॉइंट है। तो 20 क्या है? तो 20 यहां से आया है। y एक्सिस पर क्या है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 35 टू 40 क्लास मार्क इज 35 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, एंड 40 टू 50 क्लास मार्क इज 45 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर। समझ में आ रहा है क्या सभी को? क्वेश्चन नंबर वन, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स किसमें? ये जो पीछे नंबर है वो स्टूडेंट्स बता रहा है, किसमें सबसे ज्यादा? 65 टू 70 में है। तो ये 65 यानी क्लास मार्क है, कौन से क्लास का है? 60 टू 70 फर्स्ट वन का आंसर है, 60 टू 70। सेकेंड, राइट द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी, जीरो मतलब जहां नंबर लाइन के ऊपर आ रहा है, तो इस क्लास का जीरो फ्रीक्वेंसी रहेगा और इस क्लास का भी जीरो, फर्स्ट और लास्ट का फ्रीक्वेंसी। इसे जो ये जो ग्राफ दिया गया है इसे बोला जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में फर्स्ट क्लास का और लास्ट क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हमेशा जीरो रहेगा, नहीं भी रहा तो अपने को लेना पड़ेगा। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? तो कौन सी क्लास है? 20 to 30 एंड 90 to, ये दो क्लास में फ्रीक्वेंसी जीरो है। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास? क्लास मार्क पूछा है तो 60 50 का पूछा है, 50 का ही पूछा है ना। 50 स्टूडेंट का क्लास मार्क कितना है? 55। नेक्स्ट, राइट द लोअर क्लास लिमिट एंड द अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। 85 क्लास मार्क कौन से क्लास का है? 80 टू 90, ये है क्लास इंटरवल, उसमें लोअर क्लास लिमिट कौन सा है? लोअर क्लास लिमिट कौन सा रहेगा? 80। अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट रहेगा 90, क्योंकि 80 टू 90 का ही जो फ्रीक्वेंसी है वो जो क्लास मार्क है वो है 85। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास ऑफ 80 टू 90? 80 टू 90 में स्टूडेंट्स कितने हैं? 15 स्टूडेंट्स। सो ये है हमारे आंसर फॉर द फर्स्ट वन। समझ में आ रहा है क्या सभी को? ये जो नंबर दिए गए ये क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, लिख कर लो। सेकेंड वन करते, क्वेश्चन नंबर टू, एक क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज, 0 to 200, 200 to 400, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 1000, और नीचे दिया है नंबर ऑफ फैमिलीज 240 ऐसी फैमिलीज है जिनका बिल इसके बीच में आता है 0 to 200, 300 ऐसी फैमिली है जिनका बिल 200 टू 400 के बीच में आता है, 450, 350, 160। तो इसके हिसाब से पहले हमें एक बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा जो हमें कोऑर्डिनेट्स देता हो। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और लास्ट बॉक्स जो रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? अगर इसमें कोई फ्रीक्वेंसी जीरो दिख रही है क्या अपने को? तो जीरो नहीं दिया है तो अपने को खुद बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ले लो जीरो, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी अपन लेते हैं जीरो, सेकेंड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 240। थर्ड वन दिया है, नेक्स्ट 450, नेक्स्ट नेक्स्ट
और लास्ट वाला जीरो अगेन। क्लियर है? हाँ। अब इसके हिसाब से ये 240 का क्लास इंटरवल क्या है? 0 to 200, 200 to 400, 400 to 600, 600 to 800, 800 to 1000। आगे जाएंगे तो और क्या हो जाएगा? 1000 से लेके। क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इससे पीछे जाना है अपने को, जीरो के पीछे -200 to 0। जीरो टू माइनस 200 नहीं आएगा, -200 to 0। क्लियर है? क्लास मार्क मतलब ये दोनों का मिड पॉइंट, -200 से जीरो का मिड पॉइंट -100, ये दोनों का मिड पॉइंट 100, ये दोनों का 300, 500, 700, 900, 1100। फ्रीक्वेंसीज पता है अपने को, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला फ्रीक्वेंसी जीरो, देन 240, 300, 450, 350। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो समझते हैं अभी। कोऑर्डिनेट्स मतलब क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी को मिलाकर बनाने वाले टर्म्स। सो माइनस 100 से लेकर जीरो, 100, 240, 300, 300, ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से ही ग्राफ आएगा अपना। 500, 450, नेक्स्ट 700, 350, नेक्स्ट 900, और लास्ट 1100, 0। ये क्लियर है क्या सभी को? फ्रीक्वेंसी के ऊपर चाहो तो फैमिलीज लिख दो यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है ये सभी को? कोई प्रॉब्लम है इसमें? लिख कर लो। क्वेश्चन नंबर टू, जो अभी हमने एक बॉक्स ड्रॉ किया है उसके हिसाब से जो हमारे क्लासेस है वो है 0 to 200, 200 to 400। फर्स्ट रो हमेशा एक्स एक्सिस पर आएगा जो हमने लिख दिया है। ठीक है, जो सेकेंड रो है फ्रीक्वेंसी वाला उसमें जो डेटा है वो है 240, 300, 450, 350, 160। ये पूरा डेटा थ्री डिजिट नंबर है, तो थ्री डिजिट नंबर रहेगा तो स्केल क्या लेंगे? 1 cm = 100 ले लो सीधा सीधा। 100 क्या बोला है? फैमिलीज। और ये 200 क्या है? 200 रुपीज। ठीक है, 200 रुपीज। यहां पर लिख दो नीचे इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज, और यहां क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फैमिलीज। तो यहां लिखो जीरो के बाद 100, 200, 300, 400, 500, 600। इनफ है? ये कोऑर्डिनेट्स को देखकर अब हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। फर्स्ट क्या है? माइनस 100 से लेके जीरो, मतलब माइनस 100 हमारा क्लास मार्क है और जीरो हमारी फ्रीक्वेंसी है। जीरो फ्रीक्वेंसी इस लाइन पर आती है, माइनस 100 कहीं दिख रहा है इसमें? तो पीछे जाना पड़ेगा जीरो के। ये हो जाएगा माइनस 200 और जीरो के बीच वाला पॉइंट होता है माइनस 100 और फ्रीक्वेंसी यहीं पर है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट माइनस 100 से लेके जीरो। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? 100 क्लास मार्क और 240 फ्रीक्वेंसी। 100 कहां आएगा? जीरो और 200 के एग्जैक्ट बीच में, और 240 यहां से लेना है 200 के ऊपर 4 points। ये हो जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट जो कि रहेगा 100, 240। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 300, 300, यहां से 300, यहां से 300। तुम्हारा राइट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ग्राफ पे कर रहे हो तुम लोग। 300, 300, 500, 450, 500, 450 यहां कहीं आएगा? सो 500, 450, 700, 350,
700, 350। नेक्स्ट है हमारा 900, 160। 160 आएगा 100 के ऊपर 6 पॉइंट्स, सो 900, 160। नेक्स्ट है हमारा 1100, 0, वो ये लाइन पर आएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो अभी ये स्केल लेकर इन सभी को ज्वाइन करने का, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट को, सेकंड से थर्ड पॉइंट, थर्ड से फोर्थ पॉइंट, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स और सिक्स से सेवेंथ पॉइंट। स्केल से ही चाहिए, फ्री हैंड ड्राइंग नहीं चलेगा। इसको बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्लियर है क्या? यहां से स्टार्ट हो रहा है, याद रखो, -100 से। ये है सेकंड वन, थर्ड वन आपको करना है।